नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर, आप देख रहे हैं TNI आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम ग्रेटर की ओर से सोमवार को मानसरोवर के वार्ड नंबर 69 भारत माता पार्क में प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक योग अभ्यास एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्यान समिति के चेयरमैन राखी राठौर ने अशोक का वृक्ष लगाकर एवं पक्षियों के पीने का पानी के लिए परिंडे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें, इससे पूर्व हर आंगन योग हर घर निरोग की थीम पर आयोजित हो रहे योग महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में योगाचार्य मनीष भाई विजय वर्गीय ने आम जन को योगाभ्यास करवाया। 18 वर्षीय होलिस्टिक योगा थेरेपिस्ट पूर्वी विजय वर्गीय ने उपस्थित आमजन को राजयोग, हठ योग, कर्मयोग एवं भक्ति योग के सूत्र बताते हुए ध्यान की गहराइयों का अनुभव करवाने के साथ मुस्कुराते हुए कुंजी आई है ध्यान की अपने पास में गीत पर नटराज नृत्य आनंद प्रयोग करवाया तो सैकड़ों साधक भक्ति योग में डूब गए। बता दें, योगाचार्य मनीष भाई विजय वर्गीय ने बताया कि यह योग शिविर श्रृंखला विभिन्न संगठनों एवं नागरिकों को अपने शहर के प्रति सामूहिक कर्तव्य निभाने का अवसर है। वहीं इसी अवसर पर उद्यान विज्ञ रविंद्र सिंह, उद्यान समिति की चेयरमैन राखी राठौर एवं अन्य समितियों के चेयरमैन एवं पार्षद भारतीय लखियानी, पारस कुमार जैन, राम अवतार गुप्ता, आशीष शर्मा, मनोज तेजवानी, अरुण शर्मा व अन्य पार्षद उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त योग महोत्सव 2023 कार्यक्रमों की श्रृंखला में नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर सोमवार को प्रातः 9:30 से 9:45 तक अधिकारियों व कर्मचारियों ने योग अभ्यास भी किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज नगर निगम जयपुर ग्रेटर की उद्यान शाखा द्वारा प्लांटेशन का कार्यक्रम किया गया और साथ ही परिंडे लगा करके एक संदेश दिया गया कि पर्यावरण के बचाव के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं, प्रयास छोटे से स्टार्ट करके हम एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यही आह्वान आज लोगों से यहाँ पे किया गया। वार्ड 66 में जो हमारे पार्षद हैं, 69 में पार्षद साहब आशीष जी के माध्यम से आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। मैं फिर से आप सभी से बहुत बहुत इनफैक्ट आने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही ये कि पर्यावरण दिवस के लिए जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए हम लोग निश्चित तौर पर प्रयास करें। वैसा ही प्रयास आज हमारी मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी के आह्वान से उद्यान शाखा द्वारा किया गया, परिंदे और पौधे लगा करके आज इस अभियान में हम लोगों ने शुरुआत की। मुस्कुराता प्रणाम। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उल्टी गिनती कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंदर जयपुर की माननीय महापौर सौम्या गुर्जर जी के आह्वान के ऊपर नगर निगम ग्रेटर द्वारा जो ये विभिन्न पार्कों के अंदर हर दिन योग शिविर लगाए जा रहे हैं उसकी श्रृंखला के अंदर यहाँ पर मानसरोवर के अंदर भारत माता पार्क में आज ये कार्यक्रम हुआ है। आदरणीय उद्यान समिति की अध्यक्षा राखी जी राठौर जी हमारे बीच में रहे और सभी यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं आशीष भाई और सब लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक ही बात कहना चाहेंगे जहाँ भी बात जा रही है कि जो भारत सरकार की, केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की जो मुहिम प्रधानमंत्री जी की है कि पूरा विश्व योग के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर आ पाए, हम सब जुड़े, अपने आप से जुड़े और शहर के अंदर उनकी सारी व्यवस्था में एक योगी योगदान दे सकता है, तो स्वच्छता के साथ जयपुर का हर नागरिक स्वस्थ भी हो, अपने आप से जुड़कर इस राष्ट्र की सेवाओं के अंदर कार्य करें, इसके ऊपर ये कार्य चल रहा है। आप भी अपने जिन पार्कों के अंदर जो विकास समितियां हैं, जो सामाजिक संस्थान हैं, जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वो आगे आए, हम उनसे अपील करते हैं। नगर निगम पूरी तरह सहयोगी है और हम सब मिलकर इस जयपुर के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस योग की यात्रा में सहयोगी बने। हम योगी मनीष भाई यही निवेदन करता हूँ कि आप आए, आगे बढ़े, अपने इस जयपुर के लिए योग के माध्यम से इस पूरे विश्व की सेवाओं के लिए वसुधैव कुटुंबकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए TNI आवाज के साथ, आपकी आवाज के साथ।